दीपक फर्टिलाइजर पर क्या राय बनती है? हाँ दीपक फर्टिलाइजर, पहले मैंने इसको ट्रेड किया था, आई थिंक मैंने इसको 930-940 पे लिया था, अपना पर्सनल पिक लिया था और 1038 पे मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया था, तो दैट वाज अ टॉप लेवल। तो मैं इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, ये मेरे मल्टीबैगर पिक्स में भी था, बट मैडम अब इसका टारगेट जो था मेरा 1000 के ऊपर का ही टारगेट था एंड गया है, एंड 1060 के और लेवल्स जाके इसने अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को भी पूरा कर दिया। तो अब मैडम ये स्टॉक थोड़े महीने तक ये कंसोलिडेशन पे चलेगा, आई थिंक 920 विड बी ए गुड बाइंग लेवल। किसी को अगर फ्रेश एंट्री करना है 920 के करीब लीजिए और 900 के नीचे का स्टॉप लॉस डालिए, बट अभी इसमें मत लीजिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टारगेट फुलफिल हुआ है। 400 से हम लोगों ने इसको रिकमेंड रख रखा था, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को और मान लीजिए ब्रोकिंग हाउसेस को भी दिया हुआ था हमारे 1000 के टारगेट के लिए। तो अब क्या है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आ गया है, तो अभी जब तक ये अपने प्रीवियस हाईस को नहीं तोड़ता तब तक इसमें फ्रेश कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा नहीं। आई थिंक कंसोलिडेट होगा, सामने इसके अर्निंग्स भी हैं, तो कीप एन आई ऑन द अर्निंग्स। मेरे को लगता है डिप मारे 920 के करीब, डिप मार सकता है सपोर्ट जोन के करीब में, वहां पे बाई करिए, 900 के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए, तो बाउंस बैक में आपको 990 से 1020 तक का लेवल मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा कॉशियस व्यू रखिए जी। तो दीपक फर्टिलाइजर पर सर ने अपनी राय दे दी है।